ईडी की दिल्ली में हो रही कार्रवाई को पीसी चीफ डोटासा ने अघोषित आपातकाल करार दिया है, जिससे परिवार के लोगों ने देश के लिए अपनी जान दे दी। उन्हें आज डराने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस किसी कीमत पर झुकेगी नहीं, भले ही कुछ भी कर ले। डोटासा ने कहा कि 5 अगस्त को राजभवन का घेराव कांग्रेस करेगी। इस दौरान कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सामूहिक गिरफ्तारियां देंगे। घोषित आपातकाल लगा करके सब नेताओं को, कांग्रेस पार्टी को, और कांग्रेस पार्टी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से तमाम उन स्टेट्स में जहां भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, वहां पर जो प्रमुख दल जो शासन में है उनके ऊपर भी अत्याचार और अन्याय कर रहे हैं। मैं कह देना चाहता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मोदी जी और मोदी जी की सरकार को, कांग्रेस का कार्यकर्ता न झुका है, न झुकेगा, न डरेगा, न धमकेगा। हम सब लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, उनको चेताएंगे और हम गिरफ्तारियां भी देंगे। तमाम लोग जिलों और स्टेट लेवल के ऊपर हम लोग प्रदर्शन करेंगे, और 5 को ही नहीं, आगे भी हम प्रदर्शन करते रहेंगे केंद्र की गलत नीतियों का।